हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान की कढ़ी की रेसिपी लाई हूँ। ये यहाँ मैंने बेसन में थोड़ी सी अजवाइन और हींग ऐड की है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें हल्दी और एक चम्मच के करीब गरम मसाला इसमें डाला है। आप इसमें मिर्च, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ रेड चिल्ली पाउडर डाला है और इसे अच्छे से आया है, इसको अच्छे से मिले। इसमें जितने मसाले डाले हैं सब अच्छे से हो जाए। फिर इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट लेना है। इसमें कोई भी गुठली यानी कि लम्स नहीं रहने चाहिए। इसे अच्छे से फेंट लें और फेंटना काफ़ी देर तक है कि अच्छे से फेंट जाए। और इसको ज़्यादा ढीला नहीं रखना है कि ज़्यादा पतला हो जाए। इसको सॉफ्ट ही, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और थिक बने इसके ये बैटर। उसके बाद अलग पैन में मैंने यहाँ सरसों का तेल डाला है। फिर इसकी पकौड़ी बना लेनी है। पकौड़ियाँ आप बड़ी, छोटी, मीडियम साइज में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, मीडियम साइज़ खाया है पे। और पकौड़ियाँ बनने के बाद पे तेल नीचे से गर्म तेल के उन पे ऊपर डालना है। फिर अपने आप ही फ्लोट होने लगी हैं तेल में। इन्हें अच्छे से फ्राई करते हुए मैंने ब्राउन कलर का, गोल्डन कलर का तक नहीं हो गई है तो इन्हें मैंने फ्राई किया है। इन्हें कंटिन्यूसली चलाते रहिए वरना ये जैसे लगने का डर रहता है कि ये नीचे से जल जाएंगी। जैसे एक लोग देख रहे हैं अब थोड़ा चेंज हुआ है और ये गोल्डन कलर हो गया है। फिर बाद मैंने सभी को निकल लिया है। उसके बाद थोड़ा बेसन मैंने बचा लिया था उस बैटर का और उसमें ही मैंने दही ऐड किया है 250 ग्राम के करीब। और इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। इसमें भी लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। तो आप तो चाहे हाथ से या मशीन से या किसी भी से आप से फेंट लें। अच्छे से फेंट लेने के बाद देख लें इसमें गुली गुली नहीं रह जाए और ज़्यादा गड़ा हो तो इसमें पानी ऐड कर लिया। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसके अंदर। अच्छे से चाहते हुए इसमें एक भी लम्स नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये तड़के के लिए सरसों के तेल में मैंने एक सूखी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ता डाले हैं और एक चम्मच जीरा। और उसके बाद छोटी वाली जो सरसों होती है रेड कलर की वो डाली है एक चम्मच के करीब। उसमें थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च ये सभी डाल के इसे चला लिया है। इसे चला के फिर अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है वरना ये मसाला जलने का डर रहता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता, मसाला अलग हो जाता। फिर इसमें थोड़ा सा हींग मैंने ऐड किया है। हींग ऐड करने के बाद बेसन का और दही का जो बैटर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर लेना है मिक्सचर। और इसको हमें लगातार हिलाते रहना है वरना इसमें जो बेसन है वो नीचे चिपकने का डर रहता है, इसलिए इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहें। हिलाते देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। चेंज हो जाने के बाद इसमें अच्छे से बिल्कुल भी इसमें रुकना नहीं है वरना बेसन जो है नीचे लग जाता है। इसे कंटिन्यूसली हिलाते ज़रूर रहें और ये गाढ़ी होने लगती है तो इसमें पानी भी ऐड आप कर लें। उसके बाद ये जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी वो इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हिलाते हुए मेरे को 10-15 मिनट हो गए हैं। तो फिर मैंने इसमें देखी इसकी जो लिक्विड ज़्यादा पतला नहीं हो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो, मीडियम रहा। फिर उसके बाद मैंने इसमें ये सब पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं और इन्हें अच्छे से इसमें डुबोने के लिए जैसे कि ये इसमें अच्छे से डिप हो जाए। और नमक ऐड करके फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें ऐड कर लें। और जैसे ये खोलने लगे तो इसमें फिर आप थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐड करें क्योंकि गरम मसाला जब ऊपर से पड़ता है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा खिल के आता है। फिर इसे अच्छे से खोलने दें। जैसे ही खोलने लगे फिर इसे ढक दें। मैंने इसे 10 मिनट के लिए ढक दिया है और मेरी
मारवाड़ी कढ़ी तैयार है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।